दिस इज अरमान मलिक, चतुर, चपल और चालाक। इस्तांबुल की एशियन माफिया फैमिली के इस टाइकून की जिंदगी हवा से बातें करती है। ये अपने प्राइवेट जेट में उड़कर कभी यहां तो कभी वहां, तो कभी अपने इस आलीशान महल में एक बंद मुट्ठी की तरह। अरमान ने अपनी मुट्ठी कभी नहीं खोली, इसलिए आज उसकी बंद मुट्ठी लाखों करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की है। अरमान ने अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत एक अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइटर की तरह की। अरमान मलिक को दो चीजों से बहुत प्यार है, खुद का पैसा और दूसरों का पैसा। और दो चीजों से बहुत ज्यादा नफरत है, दूसरों की बेईमानी और खुद की ईमानदारी। सर, सर, बात 5,000 यूरो की नहीं है, बात चोरी की है। सर आपने प्रॉमिस किया था सर कि अगर मैं सच बोलूंगा तो आप मुझे छोड़ देंगे सर। हाँ, और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। थैंक यू सर। जा, तुझे छोड़ दिया। जहां एक तरफ अरमान की ताकत बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी एक कमजोरी भी है, दी एफ वर्ड, यानी कि फीमेल्स। और इन्हीं फीमेल्स ने उसे दिया द बिग ओ, अमीशा। इसे जन्म देती इसकी मां गुजर गई, और इत्तेफाक से अमीशा का मतलब ही है द गॉडेस ऑफ बर्थ एंड डेथ। I think you dropped your wallet. Oh, thanks. Come down. तो इस तरह हुई इनकी पहली मुलाकात। तब से अमीशा अरमान के साथ पूरी तरह जुड़ गई। ये है अलीना, हाफ सिस्टर लेकिन फुल शानी। यूं तो ये अरमान की सौतेली बहन है, लेकिन ऐसा कोई बहन का टका नहीं जिसके दिल में इसके लिए अरमान ना हो। यह अरमान के ब्लैक और व्हाइट दोनों बिजनेस की 50% पार्टनर भी है और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर भी। इन शॉर्ट, हम 3 साल के अंदर इस जगह को ऐसा बना देंगे, अगर आप इंडिया में इन कैसीनोस को बनाने की परमिशन दें तो। आई एम सॉरी मैडम, मैं अपने स्टेट में कैसीनोस बनाने की परमिशन नहीं दे सकता। डिसीशन लेने में इतनी जल्दी क्या है मिस्टर जोशी? शाम को मिलते हैं ड्रिंक्स पे। ओके, श्योर। जब भी कोई इसे बिजनेस में धोखा देने की कोशिश करता है तो इस पिलर को किलर बनने में जरा भी वक्त नहीं लगता। भाई बहन का प्यार नजर तो आ रहा है, पर ऊपर वाला ही जाने कि अंदर की असलियत क्या है। विक्रम थापर, 5 कैसीनोस का मालिक। ये उनमें से है जो आज भी फेंके हुए पैसे खुशी से उठाता है। इसलिए इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी ये छोटे मोटे कामों में हाथ डालने से जरा भी नहीं झिझकता।
Shall we? Sure. अरमान मलिक को हारना मंजूर नहीं था, लेकिन उसे किसी की यह बात बहुत अच्छी लगी थी कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। इसलिए वो जानबूझकर कभी कभी छोटे मोटे दाव हार भी जाया करता था ताकि दूसरों का भरोसा जीत सके। यहाँ ताश के हर पत्तों के अंदर माइक्रो सेंसर्स फिट है, जिनका नैनो सर्किट एक्टिवेट होता है कार्ड को छूने से, यानी ह्यूमन हीट से। ये पत्तों की इमेज को ट्रांसमिट करता है अलीना के चश्मे के अंदर लगे एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले स्क्रीन पर। अलीना के फोन में एक माइक्रो प्रोसेसर है। जैसे ही अलीना को ये इमेज मिलती है, वो अरमान के पत्तों के रंग और सीक्वेंस बदल देती है। श्योर। चारों की जिंदगी इसी तरह चलती रहती अगर इनकी जिंदगी में यह तूफान नहीं आया होता। रणवीर सिंह, जो अच्छों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसका कोई रास्ता काटे तो इस तूफान को सुनामी बनने में देर नहीं लगती।